वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। हम सारी फ्रेंड्स जो कि आदि तो आगे चली गई है, हिमानी आए, बाबू यहाँ है, बाबू हेलो से हेलो। तो हमारा आज एग्जाम था जो कि बड़ा ही गंदा हुआ है, सबका ही गंदा हुआ है। और तो हम सोच रहे थे आज थोड़ा सा घूमना फिरना, क्योंकि हमारे आजकल एग्जाम है ना, तो हमें टाइम नहीं है। तो हमारा प्रैक्टिकल है, तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए हमें पढ़ना तो है नहीं, वैसे कुछ हम अपने पढ़ना तो है पर हम नहीं पढ़ेंगे अभी ना। तो आज मैं आपको कुछ नई चीज़ दिखाती हूँ, वो आपको पता ही होगा, हिमाचल रसोई में जो ब्लास्ट हुआ है अभी उसको देखने जा रहे हैं हम। मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। अभी भी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, मैं मेरा वैसे कोई ऐसा नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी आज, वो रिसेंटली मुझे याद आया कि ऐसे ऐसे हो गया, आपको भी दिखाते हैं, बाकी फ्रेंड्स से मिलाते हैं। तो चलिए चलते हैं, वहाँ से जाएगी ना। आज बाबू ने सूट नहीं, आज जीन्स पहनी है, इसका आप लुक देख सकते हो। ब्लास्ट देखा तूने? बहुत हुआ हाँ, उसका जो था ना यार, ऐसे होना चाहिए, किसका होना, बहुत फेमस था वो हिमाचली रसोई वैसे, बट क्या करे। साथ वाली शॉप में भी थोड़ा सा लॉस हुआ है। हाँ ये देखिए बाकी सहेलिया। हेलो गाइस, गाइस शब्बू ये इसमें हुआ है, इसमें हुआ अंदर। तमीज नहीं आपको? आप व्लॉग में आ रहे हो और इसे बदतमीजी कर रहे हो। तो ये क्यों है बंद किया हुआ? इसको भी हुआ ऊपर, इसको कहाँ से हुआ? अरे नीचे चलो ना, देख रहे हैं बकवास मत करो। बिल्डिंग है सच में बहुत बदतमीज है, इसको तमीज नहीं थोड़ी भी, कैसे व्लॉग में बात करना है आपको? कुछ नहीं आता आपको? यहाँ पे कितने सारे लोग है, थोड़ा सा आगे जाऊं मैं। देखो यार पूरा बंद किया है ये, और यहाँ पे ये जो लोग हैं ये देख रहे हैं नज़ारे कैसे हुआ है। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। चलिए नीचे चलते हैं जहाँ पे हुआ है वो, आप यहाँ पे मेन है। उधर का यहाँ पे देखिए, ऊपर को ब्लास्ट हुआ है, यहाँ से दिख नहीं रहा प्रॉपरली क्योंकि यहाँ पे जाने नहीं दे रही अभी से आगे, पुलिस वाले खड़े हैं, कैसे जाऊँ मैं? कुछ भी नहीं रहा इसमें, गेट तो रहा ही नहीं है। अच्छा गेट भी था यहाँ पे, मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ। ये नीचे वाली साइड है ना जो यहाँ पे हुआ है, और खाली है बीच में पूरा, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ बट शायद नहीं रहा आपको। ये देखिए शीशे यहाँ पे टूटे हुए हैं उनके पैरों के पास, और ये बिल्डिंग है ना जो पूरी ये खराब हो गई है पूरी, कुछ भी नहीं दिख रहा और मैं ऊपर नहीं जा पा रही। तो मैंने आपको जितना भी दिखाया आई होप आपने देखा होगा, चलते हैं। बहुत सारे लोगों को जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं आगे आगे भी जो सारी शॉप थी वो भी बंद की है, उसी बिल्डिंग में वो शॉप थी ना जो मैंने अभी उसको भी उनको भी लगी यार। तो देखो आप देख सकते हो कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है सिलेंडर फटने से, हिमाचली रसोई वालों ने तो पूरी बिल्डिंग यार क्योंकि खुद सोचो आप एक सिलेंडर सोच जब परे परे भी हो रहा तो ऊपर को तो होगा ही। हाँ जब खुद सोचो ना जब एक सिलेंडर फटता है ना यार कितना होता है पूरी बिल्डिंग, तो इधर उधर वालों को भी जो लॉस हुआ वो तो हुआ ही, बट वो जो सामने वाले भी चल पड़ता है, आदमी ही चले गए यार वही ना। नहीं और जो आपको मैंने सामने दिखाई ना भी शॉप, उसमें भी शीशे शायद फटे हुए हैं, आसपास के है नीचे नहीं होता किचन वो भी शीशे फटे हुए हैं, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। सिलेंडर फटा है ना तो हम सिलेंडर की बातें करेंगे ना, हम थोड़ी ना देखेंगे कोई और, हमारे को हर जगह सिलेंडर दिख रहे हैं। अब हिमाचल रसोई में सिडू बनते थे, अब हमने तो खाया नहीं। एक दिन जैसे तूने उसका व्लॉग नहीं देखा, हम नहीं हम शिमला में रह के वहाँ नहीं जा पाए हिमाचल रसोई में, हमें एक बहुत खेद है इस बात का कि हम आपको जाना चाहिए था यार, है ना, बट हम जा नहीं पाए। चलो अब सिलेंडर वाला नहीं, सिलेंडर वाला की सही काम करो और टॉपिक करो, अब चल जाओ, नहीं तो लग रहा है मतलब ऐसे गए होंगे। कैसे फट गया होगा यार, ऊपर से लीक होगा क्या हुआ होगा कुछ तो ऐसा होगा ना, कोई अदरक कितना महंगा होगा, हट तो साइड देख लीजिए जरा कितना है, लोगों को बता रही हूँ। 100 का आधा किलो, हमें कार्डिगन लेनी है दादी के लिए, ये नहीं हमने दादी को लेनी, दादी को ठीक जैसी
यार इतनी पतली कहाँ पहनेंगे वो, इससे मोटी नहीं है अंकल, ये काम की आएगी उनके यार। पुरानी तो गाइस किरण और हिमानी जा रहे हैं, अब जाओ यहाँ से, कहाँ से चल जाए हिमानी, तू यहीं रह, कुछ भी नहीं बोलती है यार, मैं बुरा मत मान मेरी बातों का, तो ठीक है यार जाओ हिमानी, बाय बाय, चलो डिस्कस कर लेना बाद में, बाय बाय। तो गाइस अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल चाची से मिलने, और मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है, अम्ब्रेला तो लाए हैं बट वही है ना, फिर वही बात आ जाती है, जिस दिन अम्ब्रेला लाया उस दिन बारिश नहीं है, जिसे नहीं लिया उस दिन पूरे भीग जाते हैं, बट फिर भी भीग जाते हैं, चिंचोली में तो सकता है नीचे से ऊपर बारिश हुई। सच में अभी हम वाटरफॉल के पास पहुँचे, हम वॉकिंग आए क्योंकि हमें पहले तो मार्केट में काम था, पहले तो मैंने आपको दिखानी थी यहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, फिर उसके बाद हम मार्केट गए, हमें थोड़ा काम था, कार्डिगन लेनी थी दादी के लिए हमें, जो कि मैं इसमें दिखा भी नहीं पाई कौन सी थी, हमने जल्दबाजी में दी थी, अभी लंच लेके आए बट लंच टाइम नहीं पाओ क्या, हाँ हमें बाद भी भूख लग रही है, लंच लेके आए थे आते ना, तो दादी के लिए हम लंच लेके जा रहे हैं, वो बेचारे हमारा वेट कर रहे होंगे। वाटरफॉल ये देखो, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा वाटरफॉल हो रहा है, हाँ कितना सुंदर लग रहा है ना, ये कैनच के साथ में ही है, वाटरफॉल तो ऐसा यही है जिसकी मतलब चाबी खोल देते हैं तो ज़्यादा पानी आता है, और अगर बंद कर देते हैं तो कम पानी आता है, मैंने एक दिन देखा था इसलिए बोल रही हूँ, बट अच्छा है ये वाटरफॉल, थोड़ा मैंने आपको दिखा दिया कैनच के साथ में ही है, कि आना हो तो आप लोग आए और अपनी तस्वीर खींच के वापस चले जाए, सच में अच्छा है ये, मैं आपको प्लेस, हाँ अच्छा है ना, तभी तो बोल रही हूँ मैं, आप लोग घूमने आओ तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। चलिए गाइस आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं खाना देने, उसके बाद हमें जाना है रूम, फिर मिलती हूँ आपको लेटर। हाय एवरीवन, तो देखिए हम संजौली पहुँच गए हैं और यहाँ पे जोर की बारिश हो रही है, और अम्ब्रेला काम आया आज हम दोनों का, ये तो इसने मिलाया आज तो मिला, और भी यहाँ से तो थोड़ी रुक गई है बारिश, उतनी भी नहीं रुकी है, लगी हुई तो है। हम जा रहे हैं रूम क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था, नो एंट्री है, 5 बजे के बाद पता ही आपको बंद हो जाता है, चलिए चलते हैं। देखो यार पानी पानी हो जाता है, वो तो अच्छा बारिश रुक गई है, नहीं तो यहाँ से इतना पानी होता है ना जो कि भीग जाते हैं, अरे इसको देख लो अपनी मगन हुई हुई है, चलो अब चलते हैं। गाइस हम घर पहुँच चुके हैं और भीग के उतने तो वैसे भीगे नहीं, बट भीग के थोड़े तो भीग गई है यार, भीगती है जब बारिश होती है, तो ऐसे तो है नहीं अब, तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, वैसे ब्लास्ट तो मैंने सुना है कि लीकेज थी इस वजह से हुआ है, इतना तो डिटेल में मुझे पता नहीं है, बट जितना मुझे पता है उतना मैंने बताया आपको, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।